खबर है मिर्जापुर से। बांग्लादेश में तख्ता पलट से लेकर धार्मिक हिंसा को लेकर हम सब वाकिफ हैं। इसी क्रम में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने के विरोध में मिर्जापुर नगर के घंटाघर प्रांगण से हिंदू संगठनों द्वारा एक आक्रोशित रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपने विरोध को दर्ज कराया और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इस वक्त हम घंटाघर परिसर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार मंदिरों पर भी। इस वक्त मिर्जापुर में आज जन आक्रोश निकाला जा रहा है। हजारों की संख्या में घंटाघर परिसर में लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी आज आप लोग जन आक्रोश निकाल रहे हैं, क्या मामला है? जी आक्रोश रैली है। ये बांग्लादेश में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, एक छात्र आंदोलन ने पूरा विद्रोह किया और उसमें कट्टरपंथी लोग लग करके आज बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू समाज अल्पसंख्यक समाज है उसके साथ जो घृणित कार्य हो रहा है और उनको उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, मठों को जलाया जा रहा है, साधु संतों को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ घृणित कार्य किया जा रहा है, उन सबको देखते हुए उसके विरोध में पूरा हिंदू समाज आज मिर्जापुर का पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है और उसी के हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं सरकार को, सरकार के माध्यम से यूएनओ को कि जो इंटरनेशनल प्रेशर बना करके चाहे सैन्य दबाव बना करके वहां हिंदुओं की रक्षा की जाए और उनका सम्मान और उनकी संपत्ति दोनों को सुरक्षित की जाए। यही इसीलिए हम लोग आज संतों के आह्वान पर आक्रोश रैली में भाग लिए हैं। जी आज आक्रोश निकाला जा रहा है यहाँ घंटाघर परिसर से, क्या है, क्या चाहते हैं भाई? ये हिंदू राष्ट्र अपना है, आज पड़ोस में बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए भारत में सारे हिंदुओं के प्रति ये आक्रोश पूरे देश में देखा जा रहा है। इसी प्रकार हम लोग पूरे मिर्जापुर शहर में हजार दो हजारों की संख्या में हम लोग हिंदुओं के प्रति अपने को समर्पित हैं और हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए, यही सरकार। यहाँ पे महिलाएं भी कुछ आक्रोश जन आक्रोश रैली में दिखाई दे रही हैं और आइए इनसे भी जानते हैं आज आक्रोश निकाला जा रहा है क्या। ये आक्रोश जो जन रैली निकाली जा रही है वो हिंदुओं की रक्षा के लिए, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उनके प्रति हम लोग आक्रोश जता रहे हैं कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। महिलाओं के प्रति वहाँ पे दुराचार हो रहा है, आगजनी हो रही है, हिंदुओं का घर देख देख के जलाया जा रहा है, हिंदुओं के शॉप को जलाया जा रहा है, वहाँ का हिंदुओं के मंदिरों को जलाया जा रहा है। तो ये रोकने के लिए हम लोग एक आक्रोश रैली निकाले हैं कि ताकि मतलब कि उन लोगों पर ये प्रभाव पड़े कि ये हिंदू भी एक हैं, उनके अंदर संगठन की शक्ति है, एक संगठन शक्ति है हम लोग के अंदर, और हमारे सनातन की रक्षा होनी चाहिए, सनातन धर्म की, हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। हम ये सब कोशिश करने के लिए हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं घंटाघर परिसर में मैं मौजूद हूँ, यहाँ जन आक्रोश कम से कम हजारों की संख्या में लोग रैली निकाल चुके हैं, तो पूरे नगर क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहे एक्सप्रेस न्यूज़ पर। बताए प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हिंदू रक्षा समिति के तत्वाधान में आज घंटाघर में हम सब एकत्र हुए हैं। मैक्सिमम जो इस जनपद के युवा हैं यहाँ इकट्ठा हैं और अपना आक्रोश बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठा होकर आक्रोश पैदा करने के लिए यहाँ आए हैं। पानी के बरसात के मौसम के बावजूद आज ये भीड़ बता रहा है कि हिंदुओं में कितना आक्रोश है। इसके बाद यहाँ से ये यात्रा निकलेगी, यात्रा के बाद समापन भी यही है। हम सब हिंदू इस बात का विरोध करते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको अगर नहीं सही किया गया तो निश्चित रूप से, जैसा अभी इन्होंने कहा भाई साहब ने, कि हिंदुओं को जब छेड़ा जाएगा तो हिंदू छोड़ेगा नहीं। हम लोग बड़े शांत स्वभाव के लोग हैं, लेकिन अगर उस पर आ जाएंगे तो फिर वो चाहे बांग्लादेश हो और चाहे विश्व का कोई देश, हम लोग उसका जवाब देने के लिए सक्षम है। हम आप सबको ये आश्वस्त करते हैं कि अगर हिंदुओं को छेड़ा गया तो निश्चित रूप से हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये बताएं आप किस अखाड़े से जुड़े हुए हैं और क्या आज आपने भी समर्थन दिया है किस मुद्दे को लेकर के? मैं पंचदश नाम जूना अखाड़ा का अंतर्राष्ट्रीय अष्टकौशल महंत डॉक्टर योगानंद गिरी
जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से क्रूरतम अपराध किए जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, ये सब कुछ होता हुआ देख करके संपूर्ण विश्व बिरादरी मौन है। और यहाँ तक कि कोई भी हमारे पड़ोसी मुल्क भी इसके ऊपर विरोध नहीं दर्ज कर रहे हैं कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है। इसी को लेकर के आज जन आक्रोश रैली मिर्जापुर जनपद में निकाली गई और जिसमें पूरे मिर्जापुर में बंद बुलाया गया और उस बंद का पूर्ण असर भी देखने को मिला। सड़क पे मिर्जापुर का संपूर्ण हिंदू समुदाय जो है सड़कों पे निकला ताकि जो है प्रधानमंत्री अपना गतिरोध अपना विरोध वहाँ पे दर्ज करा सके, कड़ा से कड़ा विरोध दर्ज कराए। अगर देश के अंदर भारत देश के अंदर कुछ मुसलमानों के साथ अत्याचार हो गया होता तो संपूर्ण विश्व की बिरादरी सारा विश्व जो है एक हो गया होता कि भारत के अंदर मुसलमानों को सताया जा रहा है, भारत के अंदर मुसलमानों को सताया जा रहा है, अल्पसंख्यक है। अरे तो क्या बांग्लादेश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक हैं, उनको क्यों वहाँ पे सताया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि सरकार को जो ठोस कदम उठाने चाहिए तो वो सरकार नहीं उठा पा रही है? बिल्कुल, सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। अगर ठोस कदम उठाया होता तो शायद बांग्लादेश में ऐसी बर्बरता नहीं हुई होती और ना हो रही होती जो निरंतर होती चली जा रही है। ये नहीं कि हो गई, चल रही है, निरंतर चल रही है। उसके लिए कड़ी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी दें और उसको अपना विरोध दर्ज कराएं और इस मामले को यूएन में लेके जाएं।